अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और इस शादी टूटने का सबसे बड़ा वजह तो बच्चा है, तो बच्चे को ही सजा देते हैं ना। और सजा का है, और इसका तो जन्म ही नहीं होना चाहिए, इसको तो पैदा ही नहीं होना चाहिए। कैसे कि अभी तो पैदा नहीं हुआ है तो इतना सब रिश्ता तोड़वा रहा है। जब पैदा हो जाएगा तो भगवान ही मालिक का कराएगा। हमें को काम करते हैं। पूर्णिमा, पूर्णिमा, हमें बच्चा को ही खत्म कर देते हैं। हम सब फसाद की जड़ को ही खत्म कर देते हैं। रानी, पूर्णिमा चाकू नीचे रखो। कोई बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में नहीं आएगा। हम बच्चा को ही खत्म कर देते हैं। जो कोई मार देते हैं तो फसाद की जड़ को ही खत्म कर देते हैं। ये देखिए, पेट से बच्चा बाहर आ रहा है। देखिए, आप सब भी देखिए, बच्चा है इनका। सब के सब झूठ है। रुई को बच्चा बना दी, कह रही है बच्चा लेकर घूम रही है। वरुण जी का पहुंच गई साबित दुर्वाने। अरे कुछ तो शर्म करिए। काहे की ये सब, जवाब दीजिए ना पूरा परिवार के सामने जो ये सब किए हैं। काहे की ये सब? मैं तो कब से यही कह रहा था, पर कोई मेरी बात सुनने को राजी नहीं था। सब सेट है, देखिए अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। चला, आई लव यू सो मच। तुम्हारे अलावा मैंने आज तक किसी और लड़की से प्यार तक नहीं किया। अब पंडित जी इतनी है तो कोई बात नहीं, हम आग जला के देवी देवताओं का नाम लेकर हम अपना आखिरी फेरा पूरा कर लेंगे। और मंगलसूत्र और सिंदूर की जो रस्म है ना, वो हम नेट से मंत्र निकाल के कर लेंगे। आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है ड्रामा करने की, मेरी शादी तोड़वाने की? मां तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ोगे नहीं मैं तुम्हें। भी करो लेकिन वरुण को यहाँ से ले जाओ, समझी? दिमाग खराब होगा तुम्हारा, जान लोगी इसकी क्या? बाप रे बाप, आज तक हम इकुली ड्रामा ना खाली सिनेमा और फिल्म में देखे थे, आज आंखी के सामने देख ली। बाबूजी, आप पुलिस को फोन लगाइए, लड़की को लेके जाएगा। हाँ लगाइए पुलिस को फोन, लेकिन वो बस मुझे नहीं इस वरुण को भी लेके जाएंगे। क्यों, मुझे क्यों लेके जाएंगे? वरुण ने क्या किया? क्या किया? अरे इसी ने तो मुझे 1,00,000 रुपए दिए और बोला कि मैं ये तकिया लगाकर जाऊंगी तो ये शादी टूट जाएगी। लेकिन पूर्णिमा जी ने तो सारा प्लान ही खराब कर दिया। अरे सच्चाई तो ये है कि ये वत्सला से शादी ही नहीं करना चाहता था, ड्रामा कर रहा था। इसका तो प्लान था कि ये वत्सला को मंडप तक ले जाकर शादी तोड़ दे, ताकि सारे सोसाइटी के सामने इसकी बेइज्जती कर सके। वाह मेरी हीरोइन, एक्टिंग तो अच्छी कर रही है। क्या यूटर्न मारा है? चलो अब फिर थोड़ी एक्टिंग मैं भी कर लेती हूँ।
कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने काले दिल वाले निकलोगे। मैं कभी यकीन नहीं कर पाऊंगी वरुण कि ये सब तुमने किया है। मैंने ऐसा कब कहा? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ भी मत बोलो। अब ना ही मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है, ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है। रुको बता, तुम मुझे ऐसे घटिया इंसान साबित करके नहीं जा सकती। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मेरी बात सुनो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। रुको वासा। तू जैसे घटिया और गिरे हुए इंसान के पास कोई आंख नहीं है कि तू वासा को जाके रोके। इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए, निकल जाए। वत्सला को मैं समझाता हूं। हम वत्सला से बात करके आते हैं। ए वरुण, चलो उस सीटी का हाथ पकड़ो और निकलो हमारे घर से। ए बहन जी, ऐसे हमारा आपका कभी बना नहीं, बात सही है। बाकी आज हमको आपके ऊपर ना बहुत दया आ रहा है। देखिए बहन जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। एगो माई कभी ऐसा चाहेगी कि हमारा बेटी के साथ ऐसा हो जाए कि दुल्हन के रूप में आए, मंडप में आए, इतना बड़का कांड हो जाए। बाकी क्या कीजिएगा, ये है सच है, ये आधा सच है। पूरा सच हम दिखाते हैं। परेशान क्यों लग रहे हो? सब सॉर्ट हो चुका है सर। पूर्णिमा ने कोशिश की थी हमारे प्लान को खराब करने के लिए। देखो सब कुछ ठीक हो गया सर, सब ठीक हो गया। पता नहीं वत्सला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे घर वाले इतने बेवकूफ नहीं हैं। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। कोई कुछ नहीं सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा। जीत गया, हम जीत गए सिर, हम जीत गए। और मैंने तुमसे कहा था ना कि वरुण से शादी कभी नहीं करूंगी, तो देखो नहीं की ना, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं किसी और की कैसे हो सकती हूँ। तुमसे प्यार करती हूँ ना सेठ, सब ठीक हो गया। आई लव यू सेठ, आई लव यू सेठ, आई लव यू, आई लव यू लिखा है मम्मा। इसका मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वैसे भी तुम्हारी पूर्णिमा इतनी ना समझ है ना कि उसे हमारी बात कभी समझ में ही नहीं आएगी। I love you, Sid. I love you. I love you too, Vatsal. चलो बाहर चले, सब संभालना भी है ना बाहर हमें। और एक बात बताओ, जब तक हम दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट है ना, हमारा प्यार कभी नहीं हार सकता। चले चल।
आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इट्स ओके, मैं ठीक हूं। शादी टूट गई है, इस बात को मुझे एक्सेप्ट कर लेना होगा। पूर्णिमा, आप काहे रो रही, काहे आंसू बहा रही इस घटिया इंसान के लिए? अरे अच्छा ही हुआ ना इसकी शादी वत्सला से नहीं हुई। आप फिक्र मत कीजिए, वत्सला के लिए अच्छा लड़का हम खुद ढूंढेंगे। आप लोग सब चुप काहे खड़े? बाबूजी छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? लाली हमरे यार की जित देखूं तित लाल, अब लाली देखन हम गया, हम हो गया लाल। देख दीदा फाड़ फाड़ के देख, और इसका जवाब चाहिए हमें इसी वक्त। थोड़ा करीब जाके खेल कर, वो तो इतनी ना समझ है कि उसे हमारी बात कभी समझ में ही नहीं आएगी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ ना सेठ। आई लव यू सेठ, आई लव यू। और एक बात बताओ, जब तक हम दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट है ना, हमारा प्यार कभी नहीं हार सकता। बताइए, आप बत्सला जी से प्यार करते हैं? अरे तेरा धर्म पत्नी तुझसे कुछ पूछ रहा है, जवाब कहीं नहीं दे रहा। क्या हुआ, मुंह में दही जम गया है, कसाप सूं गया है? दिल तोड़ते वक्त ध्यान नहीं आया, अब क्या हुआ? अर्धांगिनी बोलिए, आपने पैदा किया है ना, बोलिए अपने लाल से। बाबूजी नहीं, आज इससे कोई कुछ नहीं पूछेगा। कैसे कि आज सिर्फ और सिर्फ हम इनसे पूछेंगे। पूर्णिमा, हमें समझाने का मौका दीजिए। समझाइए नहीं, आप बत्सला जी से प्यार करते हैं हाँ या ना? सिर्फ आज जब आप बीच में नहीं बोलेंगी, आप है कौन? हम अपने पति से बात कर रहे हैं ना, बीच में मत बोलिए। आप बत्सला जी से प्यार करते हैं या नहीं? पूर्णिमा बात, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। Thank you.
पिताजी, ये कौन सा दम? हम बना रहे तमाशा, अरे तमाशा आप दोनों ने मिलकर बनाया हमारी जिंदगी का। हम बना रहे तमाशा, देवता मानते थे ना हम आपको, हाँ देवता समझ करके विश्वास किए थे ना हम पर कि देवताओं की दुनिया नहीं बदलती, कि तो दुनिया ही बदल गई। नहीं, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे। इंसान बदल जाए ना तो खुद को समझाया जा सकता है, झूठ सच बोल करके खुद को समझाया जा सकता है, पर अगर देवता बदल जाए तो कोई क्या करे। वैसे सख हमको यही दिन हो गया था जब विसर्जन वाला दिन हमको दुगो गुंडा अगवा किया था, वही दिन हमको सख हो गया था कि इस शहर में हम नया है तो हमारा कैसे कोई दुष्पर हो सकता है। और सब लोग पूरा परिवार मिलकर के बाबूजी अम्मा जी सब हमको समझाते कि पति को अपने नजर से दूर मत करो, अब किसी का नहीं सुने। अरे बेवकूफ है बेवकूफ, किसी का नहीं सुने। आपके लिए हम अपना गहना बेचकर आपके जेब में आपका सपना सजाकर आपको बंबई भेजे, और आपका किए उसको बेच करके हमारा दुश्मन खरीद कर लिया है। काहे की आप ऐसा मेरे साथ काहे की? इन दोनों पर ना हम बहुत पहले से नजर रख रहे थे, हम बहुत रोए जाकर के बाबूजी से अपना दिल का हाल सुनाए कि हमको शक हो रहा है, और साथ ही गंगा मैया से प्रार्थना की कि सब को सके रहने दीजिएगा, हकीकत मत बनाइएगा, पर देखिए बन गया हकीकत। लवली दीदी सब हमको बोली कि हमको आपके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, पर मैं आपके इतने अंधे हैं कि आपकी बात में कभी दिमाग से सोच ही नहीं पाए। और जब कभी सोच पाते तो आप प्रेम का अपना झूठा पट्टी हमारे आंख पर बांध देते। यही करते आए ना आप हमारे साथ, चुप रहिए, बोलने का सब हक आप खो चुके हैं। मेहंदी हल्दी संगीत तीनों में आप दोनों जो जो कर रहे थे हम सब देखे, हम चुप रहे, आप सोच भी नहीं सकते, आप सब बिखेर दिए, हमारा जिंदगी बिखर गया, हमारा दुनिया बिखर गया। क्या बोले हम नहीं बिखर रहे, क्या दिए तुम्हें छुएगा नहीं हमको, आप पास बताइएगा हमरे, हमको छुए भी मत, आप सब अधिकार खो चुके। पत्नी जितना आग से नहीं जलती ना उतना पति की बेवफाई से जलती है। पूर्णिमा हम हैं ना, हम समेटेंगे। नहीं, हम सब समेट देंगे। काका समेटेंगे हम, काका समेटेंगे, बताइए ना सबको काका समेटेंगे, आप जो विश्वास किए वो टूट गया, समेटेंगे आप दुनिया उछल गई, समेटेंगे कैसे समेटेंगे, कुछ नहीं समेट पाएंगे आप ना, कहा समेटेंगे समेटेंगे समेटिए, तीज में जो आप इनके साथ तीज मनाए कैसे समेटेंगे, ये समेटेंगे जो आप इनके साथ समय बिताए, समेटिए समेटिए समेटिए। बता रही है, काहे नहीं सोचे आप?
हिस्सा मिटेंगे। पूर्णिमा जी, ये सच है कि सिद मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो आपसे भी प्यार कर प्यार चुप! एकदम चुप! हम अपने पति से बात कर रहे हैं। ये कोनो दुकानदार नहीं है कि हर ग्राहक को खुश कर देंगे। बाकी हाँ, आप हमको तो खुश नहीं कर पाए ना, हम आपको खुश करेंगे, हम आपको खुश करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हम पत्नी है आपके, हम आपको खुश करेंगे। कोई यहाँ से नहीं हिलेगा, जब तक हम वापस नहीं लौट जाते कोई नहीं जाएगा यहाँ से। बाबूजी, ध्यान रखिएगा आप। चल बउआ। पूर्णिमा, ए! सुना नहीं बाबूरानी ने क्या कहा? हिलना नहीं, वहां से खड़ा रहना। कैसन माई है जी, आंख के सामने देखती रही कि आपकी बेटी का गुल खिला रही है, अब रोकी कहे नहीं उसको। चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आंटी जी प्लीज, आपको जो भी कहना है, जो भी पूछना है, मुझसे और सिद से पूछिए, मम्मा को बीच में मत लाइए प्लीज। अम्मा, गलती हमसे हुई है, आप किसी और को बीच में मत लाइए, जो कहना है हमसे कहिए। अब ये दोनों ही कहेंगे। मेरा दर्द समझ रहे, सोच समझ के फैसला कर, बंदूक फेंक दो। दुख और गुस्सा इतना आ रहा है ना आपको कि मन कर हम सबको गोली मार दें। बाकी हम ऐसा करेंगे नहीं, कि हम अपने आप को ही गोली मार देंगे। पुलिस में क्या कर रही हैं आप? आप, 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 आप बंदूक नीचे रखिए पहले। रखिए, पगला रही हो का? आपकी बेड़ियों को काटने की कोशिश कर रहे हैं हम, ताकि आप पंख बना करके अपने सपनों को पूरा कर सके। पूर्णिमा, हमारी बात सुनिए प्लीज, हमारी बात सुनिए, मत करिए प्लीज। धोखा है बेदर्दी सैया, भूल गए क्यों सारे गरिमा, दिया चांदनी रात के चंदा, मैं चंदा मैं भूल की पूर्णिमा। तुम अपने आप को कुछ नहीं करोगी, हम गलत है ना, हमने गलती की है, पर हमें आपको हमारी जान ले ली, ले लीजिए जान। मार
दीजिए हमें गोली, लेकिन आप अपने आप को कुछ नहीं करेंगे। बंदूक नजदीक नहीं आइएगा। हमारे पास बिल्कुल नहीं आइएगा। जाइए इनके पास जाइए, बदसला जी के पास जाइए। आप अभी क्या भी इनका हाथ पकड़िए, साथ फेरा लीजिए और इनसे ब्याह करिए, नहीं तो हम अपने आप को गोली मार लेंगे। बचा है बचवा, जोर से नहीं होश से काम ले। बाबूजी आज तो हम सही कर रहे हैं। कैसे कि आज तुम्हारा आँख खुला है, आज तब होश में आए। हमको तो खुशी दे नहीं पाए, कम से कम इनको इनको तो खुशी मिले। और जो भी टूटा फूटा प्यार आप हमको आज तक दिए है ना, ये सब हम इनको लौटा रहे हैं। छल प्रपंच से नहीं, आपकी मर्जी और हमारी मर्जी से ये ब्याह होगा। से कि इनसे प्रेम करते हैं ना, तो जिससे प्रेम करते उसी से ब्याह होगा। बसला जी का हाथ पकड़िए, इनको मंडप पर लेकर के जाइए और इनके साथ ब्याह करिए। अरे कैसी बातें कर रही हैं? देखो ये सच है कि हम बसला से प्यार करते हैं, पर ये भी सच है कि हम आपसे भी प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। कैसा प्यार करते हैं आप? हाँ पकड़िए, अगली कुंड तक लेकर के जाइए, ब्याह करिए इनसे, अभी के अभी ब्याह करिए इनसे। हम नहीं करेंगे ब्याह। करना पड़ेगा। नहीं करेंगे। पहले सोचना चाहिए था ना आपको। अब हम नहीं करेंगे ब्याह। नहीं पड़ेगा। करेंगे हम शादी। नहीं करेंगे, नहीं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे शादी। बाबूजी ने कहा आपसे शादी कर लो, आप कह रही हो वैसे शादी कर लो। नहीं करेंगे हम शादी, नहीं करेंगे हम शादी, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे शादी हम। इसको जो करना कर ले, पर हम ये शादी नहीं करेंगे। जो तोड़ना है तोड़िए, खत्म करना है खत्म करिए, सब तरफ आग लगा दीजिए, बाकी शादी तो आपको करना ही पड़ेगा। कैसे कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक आप ई बक्सला जी से शादी नहीं कर लेते।
आप ये जिद मत करिए पूर्णिमा, मत करिए इसे। ना करे, अरे काहे नहीं करे, सब कुछ ये करेंगे, आप करेंगे सब कुछ है? याद है बनियान वाला दिन? ये बनियान उल्टा कैसे हो गया? कुछ छुपा रहे का हमसे? आप सबके सामने को बोलना ही पड़ेगा। जाऊं दे ना आपका बनियान, आप उल्टा पहन करके आए थे ना, जब बनियान आपका पलटा हुआ था। खाली बनियान नहीं पलटा था, हम दोनों का रिश्ता पलट गया था। वाला दिन जब आपके ऊपर गिरी थी ना, उनके भार से हमारा रिश्ता मर गया था। नहीं, तब भी हमको लगा कि आप आएंगे मेरे पास, अपने सबको सब सच बता देंगे कि देखो पूर्णिमा हमसे ही हो गया। बाकी नहीं, इस औरत के चक्कर में, इस औरत के प्यार में आप झूठ भी बोलना सीख गए और आप शातिर भी बन गए। नहीं, आपको क्या लगा वो दिन बनियान वाला दिन टेबल पर से हमरा उबार में लगाने वाला कल्चर लेकर के पीप पर निशान बना दिया, हमको पता नहीं चलेगा? और अब ऐसे घुटना पर बैठ करके हमसे माफी मांगेंगे, हाथ जोड़ के, सब ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, हम सब भूल जाए, हम सब मान दे, स्वीकार कर ले। ए बसला जी, अरे आइए ना जी, अपने सिंध को संभालिए, कहे कि 10 साल से पूर्णिमा इनको संभालती आ रही है। बाकी अब अपने प्यार में ताकत नहीं बची है, आइए अपने प्यार का ताकत दिखाइए, संभालिए इनको, उठाइए लेकर के जाइए और जाके यहाँ ब्याह करिए, क्योंकि ब्याह तो आज होगा, ब्याह होगा, हर कीमत पर होगा, नहीं तो हम अपने आप को गोली मार लेंगे। ये सी मौका मिला है, उठो सिद्ध, मौके का फायदा उठाकर कर लेते हैं शादी। देखिए समय बर्बाद मत कीजिए, पंडित जी बोले अभी भी मुहूर्त बचा हुआ, शुभ मुहूर्त बचा हुआ है, ब्याह करके कहानी खत्म करिए। सिद्ध उठ जाओ प्लीज। पूर्णिमा जो कह रही है वो कर लेते हैं ना, वरना पूर्णिमा अपनी जान ले लेगी। नहीं करनी हमें शादी। हमरे पति के साथ साथ हमरा सम्मान भी ले गई, पूर्णिमा जी से पूर्णिमा पर आ गई, ये भी बढ़िया है। ठीक है फिर, उठाइए अपने सिद्ध को, लेके जाइए और ब्याह करिए, कहानी खत्म करिए ना।
अब तो मिल गए ना आपको पूरे के पूरे। ये जो पूरा कर रही थी आप इतने समय से, षड्यंत्र रच रही थी, तब दे दिए ना आपको हम अमरापति, तो लेकर जाइए ब्याह करिए, कहानी खत्म करिए। नहीं लेकिन एक पत्नी के रहते तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो सिद्ध? इट्स इलीगल। बिल्कुल सही कहा आपने। बात समझने की कोशिश कर, ये एक कानूनी जुर्म है, एक अपराध है और हम ये अपराध नहीं करना चाहते। अपराध है? अच्छा तो एक पत्नी के होते हुए किसी दूसरी औरत से प्रेम करना अपराध नहीं है? और आपका कानून आपको प्रेम करने का इजाजत देता है, बाकी ब्याह करने का इजाजत नहीं देता, कैसा कानून है? पत्नी को धोखा देना, उसे झूठ बोलना, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना, उसको अकेला छोड़ करके जले भी खाने के बाद किसी और औरत के साथ समय बिताना, इसकी इजाजत देता है आपको आपका कानून? बाकी शादी की इजाजत नहीं देता है। अरे सब बंद करिए जी, डरपोक नहीं है आप, शादी करिए, ये किस्सा खत्म करिए। प्रेम किए है ना, प्रेम में बहुत ताकत होता है, हमको देखिए, डंके की चोट पर आपसे प्रेम किए, हिम्मत है, ताकत है, तभी डंके की चोट पर, बंदूक की नोक पर आपका ब्याह दूसरी औरत से करा रहे ना हम। और आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को ब्याह डरने की जरूरत नहीं है, इनका ब्याह इनकी पत्नी की मर्जी से हो रहा है। दुनिया की किसी भी अदालत में पेशी होगी ना, हम सीना ठोक के बोलेंगे कि हम इनको माफ किए और इनका शादी एक दूसरी औरत से कराए। किस बात का डर आपको? हाथ पकड़िए, ब्याह करिए। खड़े खड़े भूखा ताक रहे, ब्याह करिए। अरे और बोलने का ताकत नहीं है हम में, ब्याह करिए, बख्श दीजिए हमको। बबरिया सुनिए। बाबू जी आज आप कुछ मत बोलिए हमको। मान जाओ ना पूर्णिमा जो कह रही है, वरना आज यहाँ किसी की जान चली जाएगी। अरे नहीं करनी हमें शादी। तुम समझ क्यों नहीं रहे सर, पूर्णिमा को खोना चाहते हो क्या? वो जान ले लेगी अपनी। बहुत देख रही तुम लोगों की नौटंकी, अब एक्शन तो मैं लूंगा। देखिए पूर्णिमा सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।